ये रहा दोस्तों हमारा नया ब्लॉगिंग सेटअप। अभी इसको हम आप सभी को ओपन करके दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा नया ब्लॉगिंग सेटअप है। 1 2 3। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मुकेश सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी तक हमने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया है। और आज भी देखो दोस्तों हर दिन की तरह बहुत ही तगड़ा वाला धूप निकला है और दोस्तों मेरे को लगी है जोर की भूख। और यहाँ पर देखो दोस्तों मैं खाना वाना लेकर पहले से ही आ चुका हूँ और आज के खाने में दोस्तों मसालेदार आलू की सब्जी और चावल, तो आज खाने में मजा आने वाला है। तो दोस्तों अभी हम खाना खा लेते हैं। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और देखो दोस्तों हर दिन की तरह आज भी बहुत ही प्यारा सा धूप निकला है। उधर देखो पिताजी खेत में काम कर रहे हैं और दोस्तों अभी देखो ये जो हमारी भांजी है ना, हेलाला क्या चाहिए बोलो जरा? इसको गन्ना चाहिए दोस्तों। कौन सा गन्ना चाहिए बोलो? ये वाला गन्ना चाहिए। विजय भाई काट दो, हाँ काट दो, काट दो, हट जा लाला, थोड़ा सा लाला हट जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ। ओ भाई साहब गन्ना बहुत बड़ा है दोस्तों, लगभग ये होगा 10 फीट का होगा गन्ना, बहुत बड़ा है गन्ना। खींचो, हाँ खींच लो। अभी देखो दोस्तों गन्ना कितना बड़ा, पूरा विजय भाई पूरा खड़ा कर दो तो। ये देखो दोस्तों गन्ना कितना बड़ा, मेरे को ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। ये देखो इतना बड़ा ये गन्ना है, बाप रे बाप, लगभग ये छत से, हमारे छत से नापो। ये देखो दोस्तों हम लोगों का गन्ना, इसे हम लोग हथिया झुल बोलते हैं। हम लोग गांव में दोस्तों अजीब गरीब नाम रहता है हम लोगों के यहाँ, हर एक चीज़ का अजीब गरीब नाम रहता है। 10 फीट से बड़ा है दोस्तों ये गन्ना। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, ये गन्ना को काटते हैं और चूसते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। गन्ना चाहिए? जल्दी जल्दी काट दूँ? निकोल दूँ? ये लो हाँ चूस लो, चूस के बताओ। देखो नहीं, नहीं मीठा है दोस्तों। अभी हम लोगों ने गन्ना चूस लिया है और दोस्तों आज जो हमने गन्ना चूसा है ना, वो बहुत मीठा गन्ना था, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा रस था। वो ये वाला गन्ना नहीं था जो खेत में नॉर्मल मिलता है ना, ये दूसरा वाला गन्ना वाला वैरायटी था। विजय भाई कैसा गन्ना था? अरे भाई बहुत मीठ गन्ना था तो दोस्तों, वो गन्ना सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मीठ था, बहुत मज़ा आया। और दोस्तों आज हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करने वाले हैं, कुछ मतलब एकदम अलग करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोगों के ब्लॉग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वो ये है दोस्तों ना, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो हमारा ये जो चूल्हा है, ये ईंट का चूल्हा जो हमने बनाया है ना, ये दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत करता है ना, मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं कुछ भी इस पर करते हैं ना, तो ये थोड़ा बहुत हिलता डुलता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों ना, ये कभी कभी कढ़ाई से तेल गिरने वाला रहता है, ऐसा सीन हो जाता है ना। तो हम लोगों ने क्या सोचा है दोस्तों कि जब हम इस पर मतलब यूज करते रहेंगे, आगे भी यूज करते रहेंगे, तो हमने सोचा है दोस्तों कि अगर हम इसका मिट्टी का बना देंगे, विजय भाई हाँ भाई मिट्टी का बना दोगे तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों हमने सोचा है ना कि इसको ईंट वाला बदल के मिट्टी वाला बना देंगे, जिस पर दोस्तों घर का खाना आसानी से बन जाएगा और दोस्तों उसके साथ साथ हमारा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बन जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए मिट्टी, और भी अच्छी वाली मिट्टी, ऐसा सा मिट्टी नहीं जो मतलब ये खेत में रहता है। उस मिट्टी के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा दूर जाना है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पर दोस्तों उस मिट्टी को पिलौटी या फिर कौन सी मिट्टी बोलते हैं, गड्डी माटी बोलते हैं, और गड्डी कोहर गड्डी। तो भाई लोग वो वाला मिट्टी लेने के लिए हम लोगों को जाना है, तो हमें थोड़ा बहुत खोदने वोदने वाला भी ले लेना है। तो चलो विजय भाई चलते हैं मिट्टी के लिए ना। हाँ चलो भाई चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग मिट्टी खोदने के लिए निकल रहे हैं। अभी हमने देखो दोस्तों मिट्टी खोदने के लिए खुरपी ले लिया है और ये दोस्तों हम लोग इसे सुईला बोलते हैं, ये फावड़ा की तरह होता है, फावड़ा की तरह काम करता है। और यहाँ पर देखो भाई लोग हमारी भांजी भी जाने वाली है हम लोगों के साथ, इधर विजय भाई भी हैं और हम तीनों लोग जा रहे हैं मिट्टी खोदने के लिए। लल्ला चलोगी आप हम लोगों के साथ? चलोगी? दोस्तों अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, इधर विजय भाई देखो साइकिल चला रहे हैं और इधर देखो दोस्तों हमारी भांजी कितना प्यार से बैठी है, लल्ला मजा आ रहा है सच में। तो इधर देखो दोस्तों हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं इसी साइकिल पर हम लोग मिट्टी खोदने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को मिट्टी खोदना है। यहाँ पर देखो हमारी भांजी गोदी में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। और यहाँ पर देखो भाई लोग विजय भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और सामने देखो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर एक गड्ढा दिखेगा, मतलब जो कि दोस्तों एकदम गुफा की तरह है। मिट्टी खोद खोद कर दोस्तों देखो कितना ज़्यादा अंदर कर दिया गया, जगह बन गया है, देखो कितना अंदर दिख रहा है, गुफा लग रहा है भाई एकदम। देखो दोस्तों अंदर पूरा एकदम गुफा लग रहा है, जैसे मतलब अंदर सोने लायक बहुत अच्छा जगह है। यहीं से दोस्तों हम लोगों को मिट्टी खोदना है। दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं मिट्टी खोदने के लिए और यहाँ पर देखो हमारी लल्ला भांजी कैसे अच्छी से बैठी है, लल्ला मजा आ रहा है यहाँ पर देखो कैसे ये खेल रहे हैं यहाँ पर। और देखो दोस्तों अंदर कैसा जगह है, मतलब जैसे एकदम गुफा लग रहा है, यहीं पर दोस्तों हम लोगों को मिट्टी खोदना है। अभी देखो दोस्तों हम लोगों के पास ये दो चीज़ है, मतलब मिट्टी खोदने वाला, अभी खोदते हैं दोस्तों, देखते हैं खुदाता है कि नहीं। यही वाला मिट्टी खोदना है दोस्तों हम लोगों को, खोदने में बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं है ना खोदने लायक। ऊपर जा रहा है? हाँ। अरे वो जाएगा लल्ला थोड़ा बहुत।
दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग मिट्टी खोद रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों मिट्टी खोदने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि दोस्तों जगह नहीं है। लोला थोड़ा दूर रही हो, ऐसे भी खोदना है दोस्तों मिट्टी, नहीं तो घर वापस जाएंगे नहीं बिना हाथ पे, मतलब बिना कुछ लौटे लिए। बगैर माटी लिए घर नहीं जाना है भाई। हाँ, कैसे भी करके माटी लेके जाना है घर। वही तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग खोद रहे हैं मिट्टी। काम निकल जाएगा दोस्तों, थोड़ा देर लगेगा, आधा घंटा में हो जाएगा हम लोगों का मिट्टी। निकल रहा है ना विजय भाई? हाँ निकल रहा है भाई, थोड़ा 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 करके निकल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। निकल दिक्कत वाली बात है ना। अंदर दोस्तों थोड़ा सा मारने लायक जगह नहीं है ना इसके अंदर, दोस्तों क्या है ना कि मारने लायक ज्यादा नहीं जगह नहीं है ना, जो मार रहे हैं ना जगह नहीं बन रहा, इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं तो हम लोगों को ना थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता इसके अंदर खोदने में। दोस्तों अभी देखो हमने मिट्टी को खोद लिया है जितना कि हमें जरूरत है, और दोस्तों अभी देखो मिट्टी को हम बोरे में भर रहे हैं, भरने के बाद ले चलते हैं घर। तो अभी दोस्तों हम मिट्टी ये भर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने मिट्टी भर लिया इसमें और ये बाहर भी निकाल दिया, आधा बोर हो गया हम लोगों का मिट्टी। दोस्तों अभी देखो हम लोगों ने इधर मिट्टी को लाद लिया साइकिल पर और अभी हम निकल रहे हैं घर। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी मिट्टी को उतारते हैं, उसके बाद मिट्टी को भिगोते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे क्या कार्यक्रम रहता है, सबसे पहले इसको उतार देते हैं भाई, बहुत वजन है कसम से। दोस्तों अभी देखो हम जा रहे हैं मिट्टी को इसमें उड़लने, मतलब इसमें मिट्टी को गिराने, और दोस्तों देखो चूल्हे को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें मिट्टी को भिगोना पड़ता है, तो इसमें दोस्तों हम मिट्टी को गिरा देते हैं भिगोने के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोग पानी भी ले आए हैं, ये रहा दोस्तों हम लोग मिट्टी इसमें गिर चुका है, इसमें दोस्तों हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों अभी पानी में हमने मिट्टी को भिगो दिया है, अब इसको ना थोड़ा बहुत गलने में टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा घंटा तो लग ही सकता है। दोस्तों अभी देखो हमारा मिट्टी काफी हद तक गल चुका है और अभी हम दोस्तों इसको नीचे गिराने जा रहे हैं, और दोस्तों ये जो भूसा है ना इसमें ये दोनों मिक्स होगा तब जाके दोस्तों हम लोगों का चूल्हा काफी मजबूत बनेगा। इसको गिरा देते हैं। दोस्तों अभी इस मिट्टी में हम लोग ये भूसा मिक्स करने वाले हैं, इतना मिक्स कर देते हैं दोस्तों और मिक्स करते हैं दोनों। दोस्तों अभी हमने देखो मिट्टी और भूसा एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब दोस्तों बारी है चूल्हा बनाने की। तो चूल्हा बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर ऐसे ऐसे टुकड़े में बांटना है, तीन चार टुकड़े में बांट देते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे पतला पतला हम लोगों को कर देना है। दोस्तों अभी हम लोगों का ये चूल्हे का साइज बनके तैयार हो चुका है, और दोस्तों इसको सूखने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया है, जैसे मतलब रात भर भी लग सकता है, तो ये अभी तो चूल्हा बनना मतलब मुमकिन नहीं है, मतलब बन नहीं पाएगा इसको चूल्हा बनाने के लिए, मतलब कल तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो चूल्हा बनाने के लिए दोस्तों हमें इसको कल देखना पड़ेगा, जब ये कल सूख जाएगा, मतलब इसको उठा के गोल करना चूल्हे के साइज का ना, तो अभी इसको सूखने देते हैं रात भर, उसके बाद दोस्तों कल हम लोग चूल्हा बनाएंगे। दोस्तों अभी हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और दोस्तों आगे का ब्लॉग जारी रखने के लिए हमें कल तक का वेट करना है, तो अभी आप लोगों से मिलते हैं अगले दिन। दोस्तों अभी ये अगला दिन है, और ये जो हमने चूल्हे का ये अपना साइज जो बनाया था ना, इसको हमने देखो ऐसे मोड़ दिया है, कल ही हमने मोड़ दिया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको टूटने का भी देर रहता है, मतलब कि ज्यादा टाइम हो जाएगा ना तो इसको मुड़ेगा नहीं, इसे गोल गोल मुड़ेगा नहीं ना, तो ये टूट जाएगा, तो कल ही हमने इसको मोड़ दिया था। और अभी देखो दोस्तों इसमें ये जो मिट्टी उठी है ना, इसको देखो गूंथ लिया हम लोगों ने मम्मी और मैंने, तो अभी इसको दोस्तों ऐसे चारों तरफ से इसको लगाना है, मतलब इसको साइज जो है ना एकदम क्लियर करना है, ताकि ये एकदम मजबूत हो सके हम लोगों का चूल्हा ये। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसके चारों तरफ ऐसे लगा देते हैं, एकदम सुंदर का चूल्हा बना देते हैं हम लोग। दोस्तों अभी हमारा चूल्हा बनके एकदम तैयार हो चुका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है इसको, दोस्तों हमने लीप पोत के एकदम इतना प्यारा बना दिया है ना, देखो कितना ज्यादा चिकना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना अम्मा, सुंदर।
देखो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी देखो इसके ऊपर हमने ये लगा दिया है ना, ताकि ये जो उसके ऊपर कढ़ाई उड़ाई रहे ना वो आगे पीछे ना जाए, इधर उधर ना जाए, स्टेबल रहे। मतलब अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा प्यारा सा चूल्हा हम लोगों का एकदम तैयार हो चुका है। दोस्तों अभी हमने अपना हाथ और सब धो लिया, एकदम फ्रेश हो चुका है। और यहाँ पर देखो हम लोगों का ये रहा चूल्हा। और दोस्तों इसको सूखने में भी टाइम लगेगा, लगभग 1-2 दिन लग सकता है, तब जाके ये अच्छे से सूख गया। और दोस्तों आगे भी जब कोई भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मतलब कोई भी खाना वगैरह कुछ भी बनाऊंगा, अपना देहाती खाना कुछ भी, आगे से इसी पर ही बनाऊंगा मैं। तो अभी आप लोग बताओ दोस्तों हमारा ये चूल्हा कैसा लगा, एक बार चारों तरफ से दिखा दो हमारा ये चूल्हा। देखो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा चूल्हा, और ये देखने में भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा चूल्हा है दोस्तों। तो भाई लोग बताना आप लोग हमारा ये चूल्हा कैसा लगा, और ये हमारा नया ब्लॉगिंग सेटअप रहा, आप लोग बताना कैसा है। तो अभी दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं प्रिंट करते हैं, अभी देखो 2-3 दिन लग गए इस ब्लॉग को बनाने में। तो हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारा जल्द ही जल्द कितना कम्प्लीट हो जाए, 100K कंप्लीट हो जाए यार। तो चलिए दोस्तों आज की इस ब्लॉग को यहीं प्रिंट करते हैं, आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय।